हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको चिकन अफगानी बनाना बताऊंगी। तो ये मैंने अदरक, लहसुन, कोतमीर, हरी मिर्ची और अनियन ली हूँ, और ये इन सबको मैं मिक्सर में पीस लूँगी। इस तरह से मैंने अभी दो ऑनियन डाली हूँ, हरी मिर्ची डाली हूँ। हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। लहसुन डाली हो, अदरक डाली हूँ। और ये मैंने कोथमीर ऐड की हूँ। तो ये सबको इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इस तरह से हमें पीस लेना है। आप अपने हिसाब से, आपको जितना स्पाइसी चाहिए आप उतनी मिर्ची डाल सकते हो। और ये मैंने चिकन को अच्छे से धो के वॉश करके रखी हूँ अच्छे से। तो अब एक बाउल में मैं थोड़ा सा दही डालूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही दही डालना है। मतलब आधे का भी आधा डाली हूँ मैंने। अब मैं इसमें फ्रेश क्रीम, अमूल की जो फ्रेश क्रीम आती है, वो आधा आधा पूरा मैं इसमें डाल दूंगी। और मैं अब इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करूंगी, ज़्यादा नहीं डालना है आपको, थोड़ा सा ही मिल्क ऐड करना है। और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है इस तरह से। और ये मिक्स हो गया है। अब जो हमने पेस्ट बना के रखे थे, अब ये पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेना है। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब मैं इसमें सॉल्ट डालूँगी। सॉल्ट भी आपको अपने टेस्ट के हिसाब से ही ऐड करना है, जैसे आपको, आप टेस्ट कर लीजिएगा, आपको जैसा अच्छा लगेगा जितना सॉल्ट उतना। और ये मैंने काली मिर्च का पाउडर डाली हूँ। और ये चाट मसाला है, तो मैं इसमें अब चाट मसाला डालूंगी। तो ये मैंने इसमें चाट मसाला डाली और इसे मिक्स कर ली हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी। और इसे भी मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें जो चिकन वॉश करके रखी थी वो चिकन इसमें डालूंगी। और आपको चिकन को, चिकन में इसका मसाला लगने के लिए आपको आधे से एक घंटा इसे छोड़ देना है। इस तरह से मिक्स करके ढक के अच्छे से रख लीजिए इसे आधे से एक घंटा, ताकि इसमें मसाला अच्छे से बैठ जावे। सो आधे से एक घंटे बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो अभी मैं ये जो चिकन दिखे, इस तरह से अच्छे से मसाला लग जाना चाहिए। और इसके पैन में मैं थोड़ा सा ही ऑयल डालूंगी, ज़्यादा नहीं, और जो ऑयल बचेगा इसी में हम इसकी ग्रेवी बना देंगे। तो ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है आपको, थोड़ा ही ऑयल डालना है। और आपको इसे फ्राई करना है। आप इसे ढाबा स्टाइल भी बना सकते हो, आपको जैसे सही लगे। ये जो फ्राई किए इसे निकाल के हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा चीज़ डाल के, ड्राई फ्रूट्स लगा के भी रखेंगे और ऐसे खाएंगे स्टार्टर बना के, तो भी अच्छा लगेगा। बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है और जल्दी भी बन जाती है। तो ये इस तरह से फ्राई करना है। और ये फ्राई हो चुका है, तो अब इसे हम निकाल लेंगे और बाकी जो बचा हुआ चिकन है उसे भी फिर फ्राई करेंगे।
थोड़ा थोड़ा करके ही फ्राई करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मत डालिए इसमें, थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करिए। और ये फ्राई हो चुका है इस तरह से। बाकी जो बचा हुआ चिकन था वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और उसे भी फ्राई करके निकाल लेना है। अब जो बचा हुआ जो ऑयल था उसके अंदर जो हमारा ये बैटर जो बचा हुआ था जिसमें हमने चिकन डिप करके मसाले को हमने रखे थे, वो हम अभी इसमें ऐड कर देंगे। और फिर इसे मिक्स कर लेना है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड की हूँ क्योंकि जो मसाला साइड में लगा हुआ था वो मैंने पानी से थोड़ा कवर कर ली हूँ। इसे अच्छे से भूनना है हमें क्योंकि मसाला कच्चा नहीं रहना चाहिए, इसलिए हमें 15 से 20 मिनट इसे अच्छे से भूनना है स्लो फ्लेम पे। उसके बाद जो मैंने ये काजू काट के रखी थी वो काजू मैं इसमें डाल दूँगी। आपको इसमें जो ऐड करना आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें अभी काजू डाली हूँ। तो ये इस तरह से जब पक जाएगा जो काजू वगैरह, इस तरह से इसमें उबाल आना चाहिए। तो ये उबल गया तो जो चिकन हमने रखे थे साइड में फ्राई करके, तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी उस चिकन को इस तरह से। और फिर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी साथ में इस ग्रेवी के साथ में इसे। फिर ऊपर से मैं इसमें कोथमीर कट करके थोड़ा सा इसमें से इस तरह से लगा दूँगी। सच में बहुत यम्मी और टेस्टी बनता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मुझे अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो मुझसे पूछ सकते हैं आप कमेंट में। और इसे अभी हमें 5 to 6 मिनट इसे ढककर हमें अच्छे से पका लेना है।